नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल PhDD पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे KBS की महत्वपूर्ण सूचना के बारे में कि KBS का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। आज इन्हीं सब के बारे में चर्चा होगी कि KBS में भरने के लिए कौन कौन सी ID की ज़रूरत होती है, किस कार की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसी सर्टिफिकेट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को KBS के फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, तो दोस्तों आप लोग कलम और कापी उठा लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ। नंबर वन करके लिखिएगा, इसमें ID लगेगी आधार कार्ड, DL और पैन कार्ड, वोटर ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, स्कैन थंबनेल, OBC, SC, ST, कास्ट सर्टिफिकेट OB सेंट्रल वाला, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड भी लगेगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपको BEd, BTC, BEd किए हो या BTC किए हो, और उसमें CTET की मार्कशीट लगेगी दोस्तों। और एक नोट पॉइंट याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो भी आपका डिटेल्स रहेगा वो हाई स्कूल के आधार पर ही रहेगा। इसलिए दोस्तों जो भी आपका हाई स्कूल में दिया है उसी आधार पर आप भरिएगा, ताकि फॉर्म आगे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए आप चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।